जब हमें टीवी की बुनियादी तालीम दी जाती है तो कहा जाता है कि ड्रामा लेके आओ रिपोर्ट में तो वो विजुअली अच्छा दिखेगा। ये मेरे एक नन्हे दोस्त बने हैं शिव प्रसाद रिझारिया, उन्होंने ये चश्मा बनाया है जो मैंने उनसे उधार मांग लिया। मेरी नज़र से चश्मा उतर गया है, सरकारों की नज़र से चश्मा नहीं उतरता है। आपको अलग अलग पार्टियों के नेता, अलग अलग सरकारों के मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गरीबों की बात करते नज़र आते हैं, स्किल की बात करते नज़र आते हैं। हम जबलपुर में आए, भेड़ाघाट इलाके में आए, अपने जलप्रपात के लिए, धुआंधार जलप्रपात के लिए मशहूर है, माँ नर्मदा का किनारा है और उसके किनारे ये वार्ड नंबर 5 की बस्ती है जहाँ पर मार्बल के कारीगर काम करते हैं। उन कारीगरों से तो बात करेंगे। आइए दीदी, अरे तो आप ले ओ, पहले तुम जब कैमरा नहीं आ तो तब इतो सर में आ रही, अब बता रही थी कि मकान नहीं बने। नहीं नहीं आप भी आ जाओ, ऐसे थोड़ी हो। देखो आप लोग बोलते नहीं हो इसीलिए तो आप लोगों की कोई सुनता नहीं है। आगे आइए, जब आप बोलोगे बताइए, बताओ क्या दिक्कत है। जो कुछ है तो सामने हो, कुछ किया है सरकार ने आपके लिए? कुछ नहीं किया हम लोगों के लिए। हाँ, देहात में देखो बाकायदा मकान बन रहा है, लैट्रिन बन रही है, हम लोगों के यहाँ क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। और हम लोग जाते हैं नगर पंचायत, बोलते तो वो बोलते हैं यहाँ डूबती दिशा है, यहाँ पे मकान नहीं बनेंगे। डूबती दिशा है, मकान नहीं बनेंगे? हाँ। तो ये आपने डूब क्षेत्र में मकान क्यों बना लिया फिर? पता नहीं, अब जो तो अब वो तो अब शुरू से जो बना जी है। दीदी आप बताइए, कुछ किया है सरकार ने? यहाँ स्कूल वगैरह बने हैं? थोड़ा आगे आगे बात करिए इसके पास जी। अभी देखो आप कितने, अभी तो हम अभी तो आए, अभी तो 2 साल हुए अभी शादी के हमारे, तो 2 साल में कोई नेता आया आपके घर? अभी तो घर पे तो नहीं आए हैं हालांकि, लेकिन हाँ। यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए आते हैं? हाँ। क्या बोलते हैं? बोलेंगे कहीं ये बनाएंगे, मकान बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर बनते नहीं हैं। यहाँ बनते नहीं हैं? हाँ। टीवी देखते हैं आप? हाँ टीवी देखते हैं। तो उसमें भी नेता आते हैं, भाषण देते हैं, किसी के भाषण पे आपको भरोसा है? भाषण तो देते हैं, वो तो सब लोग भाषण देते हैं, चुनाव आता है तो भाषण देते हैं कि ये नहीं वो नहीं है, लेकिन कोई काम भी तो होना चाहिए ना यहाँ पर। गरीबों के लिए कोई काम कर रहा है? अभी यहाँ पे तो अभी कोई हुआ नहीं है। अभी कोई प्रकार की योजना आ रही थी कि गोरा पत्थर वालों के लिए यहाँ एक फैक्ट्री खुलवाएंगे, या फिर यहाँ पे कोई महिलाओं का ग्रुप बना के काम करवाएंगे, लेकिन सब फॉर्म भर के ले जाते हैं और कुछ काम होता नहीं है। 2-3 महीने तक देखते रहो, अपनी फोटो कापी और अपने पैसे तक वेस्ट जाते हैं। अच्छा फॉर्म भरवा के ले जाते हैं? हाँ। तो किस किस चीज़ का फॉर्म भरवाएंगे आप लोगों से? अभी यहाँ हुआ था ना, अभी फॉर्म भरवाए थे हम लोगों ने शिल्प कलाकार की, यहाँ पर हम आके 250 रुपये का दिन तुम्हें सिखाएंगे कई प्रकार की सिलाई बुनाई, लेकिन कुछ भी तो आया ही नहीं है यहाँ पर। शिल्प कलाकारी के लिए फॉर्म भरवा गए थे? हाँ। पर फॉर्म भर और उसमें भी फोटोकॉपी और सब पैसा अपना? हाँ दिए थे, 150 रुपये का खाता खुलवाए थे, तो उसमें कोई लेकिन हुआ ही नहीं है। तो आपने फिर जो लोग आए थे लेके उनसे पूछा नहीं कि कहाँ गया वो? उनसे यही तो यही पूछेंगे उनसे कि क्या हुआ है, तो उन्होंने यही बोलेंगे अभी होगा आएगा रुक के आगे, एक बार जाते हैं दोबारा लौट के आते नहीं है वो, एक बार जाते हैं। हाँ। अच्छा आपके यहाँ शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं 12-13 साल से, कैसा काम कर रही सरकार? अभी ये तो अभी हमें पता नहीं है कि क्या। वोटर कार्ड बना है आपका? वोटर कार्ड? वोटर कार्ड। मायका कहाँ है आपका? मेरा मायका बरेला का है। बरेला का है जी। तो वहाँ का वोटर कार्ड है कि यहाँ का बन गया है? यहाँ का बना है हमारा। तो वोट डालने जाएंगी ना? अब इस साल से जाएंगे, अभी 3 साल बना है हमारे, 2-3 महीने हुए। तो कैसे दीदी, मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि आप किसे वोट देंगी, वो तो आपका जी मतदान किसी को दे, यही मैं कह रहा हूँ, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। कैसे तय करती है कि ये कैंडिडेट अच्छा है ये बुरा है, घर वाले तय करते हैं? नहीं मालूम है कि किसको देना है किसको नहीं। तो फिर कैसे तय करेंगे, जैसे घर वाले बताएंगे तब करेंगी या टीवी में देख के करेंगे, कैसे तय करती हैं? अब जैसे समझ में आएगा उसको वोट डाल देंगे और क्या। नहीं, उसको समाधान करना होगा तो वो उनसे पूछिए, वो बताएंगे। अच्छा वो बताएंगे जी। आप बताइए आप कैसे तय करती हैं? हाँ कैसे तय करती हैं किसको वोट डालना है? मैं मायके में आई हूँ। मैं यहाँ वोट तो डालती होंगी ना, मायके में ससुराल में है, वोट तो डालती होंगी ना? डालती हूं। कैसे तय करती हैं किसको वोट देना? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किसको देती हैं, वो तो तय कैसे करती है? मैं किसी को भी मत दे सकती हूं। किसी को भी? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। पर तय कैसे करती हैं, टीवी पे देख के, किसी की रैली, घर के बुजुर्गों ने बताया? ना मैं टीवी देख के देती हूँ ना मैं किसी की बात में लग के, ये मेरी मत वोट है, मैं किसी को भी दे सकती हूँ। आपको देश के प्रधानमंत्री कौन है ये पता है? नरेंद्र मोदी। और मुख्यमंत्री कौन है? वही है शिवराज चौहान। और कांग्रेस के नेता कौन है बड़े? मेरे को नहीं मालूम। कांग्रेस के नेता नहीं पता? राहुल गांधी को जानती हैं? हाँ जानते हैं। कौन है राहुल गांधी? वो सोनिया गांधी की, जो कुछ भी हो मेरे को ज्यादा पता नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? पता नहीं मेरे को। ज्योतिरादित्य सिंधिया। कमलनाथ पता है? हाँ पता है। कौन है? जो कुछ भी हो पर होंगे। और मायावती? मायावती नहीं, इसका नहीं है मेरे को मालूम, इनका नहीं पता है आपको। अच्छा सरकार ने दीदी कुछ किया है? सब लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत काम हुआ, गरीबों के लिए बहुत काम हुआ। हुआ कई जगह, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं है।
यहाँ पे कुछ नहीं। डेफिनेटली बात ये है कि हम लोगों का काम सिर्फ यही है, मूर्ति बनाना। ये क्या काम है, ये काम दिखा देते हैं। जी जी जी, विमल जी यहाँ पे मिले हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, बहुत नाराज हैं। और विमल जी बहुत नाराज हैं और बोले आप मीडिया वाले आते हो, पूछते हो, चले जाते हो, कुछ नहीं होता है। तो हमने विमल जी से कहा कि भाई हमारा काम सवाल पूछना है और आपकी बात ऊपर तक पहुंचाना है। फिर उठ के चले गए हैं जी। चाचा आपका क्या नाम है? नाम क्या आपका? इंद्र कुमार। इंद्र कुमार जी, ये कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? जब से हैं 10 साल से ज़्यादा कर रहे हैं। यार एक बात बताओ, है ना, ये जैसे आप काम कर रहे हो उसमें इतना बुरादा उड़ रहा है, ये सांस से अंदर जाता होगा, तो कुछ इस पे कोई आके बताता नहीं, डॉक्टर या कोई यहाँ शिविर लगे कि कम से कम मुंह पे कुछ है? बताते हैं ना, बताते हैं। तो फिर आप लोग करते क्यों नहीं हो? बंद उसमें होता नहीं ना, वो बोलते हैं कपड़ा डाल के करो काम। हाँ। लेकिन बनता नहीं, वैसे करते बोलते तो हैं आके। कपड़ा अगर इस पे बांध लें तो फिर बनाते नहीं बनते, ये तो बनाते नहीं बनता उसमें। ये जो चीज बना रहे ना, बिना मतलब ऐसे खुले में बनेगा, ये खुले में ही बनेगा, मुंह पे कपड़ा लगा के नहीं बनता। अच्छा, ये कहाँ से लेके आते हैं आप लोग पत्थर विमल? ये वाला ये बाहर से आता है। के पास? हाँ जी, बाहर से आता है ये पत्थर। कहाँ से? बाहर मतलब कहाँ, जयपुर तरफ से? नहीं नहीं नहीं, ये पास ही गांव से आता है। पास के गांव। हाँ। क्या हिसाब लेते हैं पत्थर? हम लोगों को तो ये मिलता है 15 रुपए किलो। अच्छा। अब वो पता नहीं कितने रुपए का लेके आते हैं बाहर से। 15 रुपए किलो वो लेके आते हैं। फिर उससे क्या क्या चीजें बनाते हैं आप, जैसे ये घर बना रहे हैं? हो गया, वो गिफ्ट आइटम हो गया, नाम वगैरह लिखने के लिए। गिफ्ट आइटम दिखाना जरा, आशीष उठाओ वहाँ से गिफ्ट आइटम, संभाल के उठाना। ये घर कितने का बना है? ये वैसे तो हम लोग बेचते हैं 20 रुपए का बेचते हैं। 20 रुपए का? हाँ जी, बस मजूरी निकलता है इसमें तो फायदा नहीं होता। ये दीदी कितने कितने बना लेती हो आप दिन में घर? रुकिए मैं आपके पास आता हूँ। नमस्ते, नमस्ते करें, राम राम करें, क्या करें बताओ? कुछ नहीं कर ले। क्या नाम है आपका दीदी? प्रेम भाई। प्रेम भाई नाम है। हाँ। तो ये आपने यहीं पे ससुराल आके सीखा है कि? नहीं, ससुराल ही आके सीखे। ससुराल ही आके सीखे। क्या साल से बना रही है मकान? जब से ये धरा है जब ही से बना रहे। तो क्या साल हो गए? 8 साल, 10 साल, 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। हाँ। तो सुबेरे चूल्हा चौका निपटा लेती, फिर काम में लग जाती। दिन भरे में क्या बना लेती हूँ? बन जाते 30-40 पीस। 30-40। अच्छा जब बताओ कि मैं प्रधानमंत्री कहा था कि हमने गरीब परिवारन के सिलेंडर बांटे उज्ज्वला योजना में, तुम्हें कौन सिलेंडर मिलो है? नहीं मिलो सर, सिलेंडर नहीं मिलो। नहीं, बीपीएल कार्ड बनो है तुम्हारो? नहीं। कौन बीपीएल कार्ड बनो है? गरीबी रेखा वाला? हाँ है। गरीबी रेखा वाला बीपीएल कार्ड है? और फिर भी नहीं मिला? नहीं मिला। कौन तुम्हारा जनधन में खाता खोलो है? हाँ चाचा, खाता खुला है जनधन में? खुला है जनधन में खाता खुला है। हाँ, जीरो खाता खुला है। खाता खुला है लेकिन सिलेंडर नहीं मिला। अच्छा, तो यहाँ पे कोई सरकारी सरकार ऐसा क्या कर दे चाची जिससे थोड़ा सा काम की और सहूलियत मिल जाए? उन दीदी से मैं अंदर बात कर रहा तो कह रही थी कि स्वयं सहायता समूह कुछ फॉर्म भरवाए गए थे। नहीं पता सर। हाँ? हाँ? जब अपन लोगों ने ग्रुप बना के क्या बता रही है खिड़की से? अच्छा आप अपने हाथ दिखाओ जरा, रचा थोड़ा क्लोजअप करिए। हाँ, तो ऐसे थोड़ा बहुत संभाल के काम करने पड़ो। देखो आप पाए पे आरी रख के काम कर रहे हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा सर। देखो जरा भी दाएं बाएं हो जाए तो कट नहीं जाएगा? प्राइवेट हो जाती है। पर हम तो चले जाएंगे तो हम आके इलाज करवाएंगे? नहीं ये तो मुझे समझ नहीं, हम तो वहाँ दिल्ली में चले जाएंगे नौकरी करने। हाँ सर, ये तो ठीक है जी, चल रहा है काम, चल रहा है। लेकिन अगर ये बंद हो गया ना तो भेड़ाघाट में समझ लो सब खत्म हो गया। कोई ऐसा व्यापार तो आए कम से कम यहाँ पे, इसको बंद करने की बात चल रही है? मतलब चल नहीं रही है। अब इसका क्या भरोसा, बारिश में बंद हो जाता है, मिलता नहीं है। हाँ। 4 महीने बेरोजगार रहते हैं सब लोग, 4 महीने कोई काम, बारिश के समय में ये बंद हो जाता है निकलना। मतलब कोई इसके अलावा कोई ऐसा बिजनेस तो भेड़ाघाट में मतलब व्यापार हो जिससे लोगों का घर बार चल सके। हाँ। कोई और इसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को। कोई आप लोगों को ऐसा सस्ता लोन मिल सके, कुछ आप लोगों का सामान ज्यादा अच्छा बिक सके? हैं नहीं, लोन का तो नहीं, मतलब रोजगार चल सके इतना ही बहुत है। इतना ही बहुत है, मतलब ऐसा हो जाए। कच्ची बस्तियां बनी हुई है। हाँ। वहाँ कुछ पक्के मकान भी बीच बीच में है, पक्के मकान। पर वहाँ बता दी थी कि ये डूब क्षेत्र में इसलिए यहाँ कुछ काम नहीं होता है। हाँ ऐसा ही तो बोलते हैं सब लोग ऐसे ज्यादातर, ये डूब क्षेत्र में इसलिए यहाँ की योजना पास नहीं हुई। पर कितने सालों से है यहाँ पे आप? कितने चाचा कितने साल से रह रहे हैं इस बस्ती में? कुल साल से, मतलब कितने, 10 साल 20 साल? राजीव गांधी के टाइम से रह रहे, इंदिरा गांधी के टाइम से, कब से रह रहे?
बहुत साल से है। बहुत साल से, तो मुझे इनको देख के डर लग रहा है, ये पैर के ऊपर रख के आरी चला रहे हैं। कुछ दिक्कत नहीं है इसमें? हाँ दिक्कत नहीं है। चलिए आप क्या बना रहे हैं? ये नहीं वही है, नाम लिखने वाले। नाम नाम लिख रहे हैं इस पे, ये आप नाम लिख देंगे किसी का? हाँ। है इसमें आप रजत जी का नाम लिख सकते हैं? तो बाबा स्पेलिंग लिख के बताने पड़ेगा। हाँ स्पेलिंग देना पड़ेगी, स्पेलिंग लिख के देनी पड़ेगी। फिर कितनी देर में बन जाएगा? 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में बन जाएगा। चलिए फिर रजत जी का, ऐसे क्या रजत जी प्रोडक्शन हेड, ऐसे एक पत्थर बनवाते हैं। और ये पान के ये टुकड़े, ये ऐसे भी बिकता है? ये कितने का है? वो 20 रुपए का है। 20 रुपए का गाँव में। अच्छा अच्छा चाचा एक बात बताओ, हमें पता है कि तुम लोग ये सवाल सुनते सुनते थक गए हो। ये सब सरकारें बोलती हैं कि गरीबों के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ किया है चाचा गरीबों के लिए? वो बोलते बस है सर, कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते वो। हाँ कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते? आप वोट डालने जाते हो? जी हाँ। तो फिर कैसे तय करते हो जब कोई कुछ कर नहीं रहा तो किसको वोट देंगे? वो दे देते हैं अपने अपने ऊपर है। तो वो तय कैसे करते हो? टीवी देख के, अखबार, चर्चा करके, बुजुर्गों की सब पंचायत बैठ के? हम लोग क्या पढ़े लिखे नहीं है ना। हाँ दे देते आपस में सलाह करके करते हो? जी हाँ। हाँ फिर भी थोड़ा बहुत काम के हिसाब से दे देते हैं वोट। जैसे अपने यहाँ नहीं हो रहा तो क्या हुआ, बाहर तो थोड़ा बहुत बन रहा है ना। बाहर कौन काम करवा रहा है? मतलब यही सरकार जो चल रही है अभी, शिवराज सिंह की। कम यहाँ नहीं बने मकान, बाहर और भी यहाँ तो बने, उसके हिसाब से दे देंगे उसी को, भाजपा को। भाजपा को जी। अच्छा, और वो राहुल गांधी कहते रहते हैं कि हमारी कांग्रेस ये करेगी वो करेगी, जो राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं उसके बारे में हम नहीं सोचते सर कुछ, हम मतलब जो कोई सोचता हो तो सोचते हैं, लेकिन हम नहीं सोचते भैया जो यहाँ नहीं हो रहा कम से कम बाहर तो हो रहा है, वो तो करवा रहे काम, इसलिए हम लोग उसी को देंगे, मोदी जी को भेज देंगे वोट। मोदी को वोट जी, भाजपा को। अच्छा चलिए अच्छी बात है, यहाँ नहीं हो रहा तो बाहर तो करवा रहे कम से कम वो काम। क्या करवाया बाहर, क्या जानकारी मिली विमल? योजना निकल रही है यहाँ पे मकान की, और भी जो योजना है, यहाँ नहीं हुई तो क्या बाहर तो हुई ना, इसलिए उन्हीं को देंगे वोट। देखिए ये मैं अक्सर हम लोगों से लल्लनटॉप में ये चीज़ पूछी जाती है कि कैसे पता चले कि जनता का मूड क्या है, और मैं अक्सर ये चीज़ कहता हूँ कि अगर आप जाते ही पहला सवाल सियासत से जुड़ा हुआ दाग देंगे तो आपको प्रायः जवाब मिलता है कि आप जिसको बता दो या इस तरह की चीज़ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 12वें या 15वें मिनट की बातचीत में कई लेयर्स के बाद आपको उस मतदाता का रुख जानने को मिलता है। बाकी ये जगह कितनी दिल्ली वाले लहजे में कहूँ, पर्यावरण के लहजे में हैजार्डस है, इसको यूँ समझ लीजिए मेरे सामने कैमरा है और कैमरे का ऊपर का जो खोल है उस पर सफ़ेदी की एक परत इस 10 मिनट हो गए होंगे, 10-12 मिनट की बातचीत में उतने कण जम गए हैं कि ये गंदा नज़र आ रहा है। और ये लोग इस उड़ती सफ़ेद धूल के बीच 12-14-16 घंटे काम करते हैं ताकि इनकी आजीविका चले। वहाँ पर हमारे मित्र बैठे हुए थे, अभी उठ गए हैं। गोविंद बाबू कहाँ गए हैं? हाँ हाँ, तो वो कृष्ण की मूर्ति तराश रहे थे और मुझे ये बड़ा सुकर भी लगा कि इंसान भगवान को तराश रहा है बैठ के, पर जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, जो इस लोकतंत्र के कथित भगवान हैं, वो इंसानों की तस्वीर, इनकी किस्मत कब तराशेंगे ये देखना अभी बाकी है। आप देख रहे हैं लल्लनटॉप की चुनाव यात्रा, मेरे साथ हैं मेरे लल्लनटॉप शो के प्रोड्यूसर आशीष और मेरे प्रोडक्शन हेड, मेरे कैमरामैन, मेरे वीडियो एडिटर और धैर्य की साक्षात मूर्ति रजत सेन। शुक्रिया।